Hello students, welcome back. Let's continue with definite integration. Definite में भी मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया था कि what is definite integration. And now we are actually going to solve कि कैसे question solve करते हैं, how do we actually use those. So the idea is कि fx का integration अगर gx है plus c तो आएगा, तो ये सेम एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं ओवर द लिमिट ए टू बी, ओवर द लिमिट ए टू बी, सो व्हाट डू वी गेट, आई विल गेट जी एक्स प्लस सी ए टू बी. अब सबसे पहले इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं तो मिलता है जी बी प्लस सी, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा जी ए प्लस सी. ये सी सी कैंसिल हो गया, सो फाइनली मुझे मिला जी बी माइनस जी. तो देखो ये जो सी था वो एक्चुअली में हो गया कैंसिल, सो हमें क्या मिला, वी गॉट एग्जैक्टली अ फिक्स्ड नंबर जी बी माइनस जी. दिस इज हाउ वी एक्चुअली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, विच इज एक्चुअली जो मैंने आपको बताया लास्ट में कि अगर ये लिमिट है ए टू बी तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है वो ये वाला एरिया होता है. टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं बोलूं कि भाई ए से बी तक में आपको इंटीग्रेट करना है फंक्शन, तो दिस केस इट विल बी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, बट ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये तो पॉजिटिव में आएगा और नीचे वाला पोर्शन निगेटिव में आएगा. इसका मतलब हुआ कि जो इसका आंसर आएगा वो दिस एरिया माइनस दिस एरिया होगा. सो व्हाट आई कैन से कि डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट साइंड एरिया. डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट साइंड एरिया. So you need to understand कि graphically we can solve the question if we know the graph of function and actually if we can find the area. अब area find करना हमेशा possible नहीं होगा diagram से. भाई line है, triangle बन रहा है, quadrilateral बन रहा है, circle है, ellipse है, तो आपको area पता है. Parabola बन रहा है तो आपको area नहीं पता होगा. So हमें integration का use करके area find करना होगा. That's okay. So now just give me one idea कि अगर मैं ये फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं, ये y इक्वल टू साइन एक्स है एक्चुअली फ्रॉम जीरो पाई टू पाई, तो जीरो से टू पाई में अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, थिंक ऑफ इट. जीरो से टू पाई में इफ आई इंटीग्रेट दिस आई विल गेट जीरो, बिकॉज एरिया वाइज तो ये दोनों इक्वल ही है. एरिया वाइज दीज टू आर एक्चुअली इक्वल. एंड सो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आनी है, ये नीचे है तो निगेटिव आनी है, और दोनों अगर न्यूमेरिकली इक्वल है तो ऐड करके क्या मिलेगा, एक्चुअली में जीरो आ जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड विद फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस ग्राफ साइड एरिया, or you can call definite integration. So definite integration is basically signed area with x-axis, you can say, within the limit x equal to a, say x equals to b. And now we are going to solve some questions. Thank you.